19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के लिए डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, बोले मेरे घर सीबीआई पहुंची है, सीबीआई ने किसी भी छापेमारी से किया इनकार। दिल्ली की झुग्गियों को हटाने के लिए डीडीए का नोटिस, बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन। दिल्ली के भलसवा डेयरी में छापेमारी के दौरान पुलिस को एक घर में मिले 2 हैंड ग्रेनेड। सांसद संतोष चौधरी की मौत पर बेटे ने लगाए आरोप, इलाज में चूक की कही बात। सोनिया गांधी ने संतोष सिंह चौधरी के निधन पर जताया दुख, कमलजीत कौर को भेजा शोक संदेश। उड़ीसा में मकर मेले के दौरान भगदड़ मचने से 12 लोग हुए घायल। शरद यादव को बेटे शांतनु और बेटी शुभासिनी ने दी मुखाग्नि, पुलिस ने दी अंतिम सलामी। बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, स्टूडेंट्स के लिए जारी हुआ अहम नोटिस। बक्सर हिंसा मामला में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मौन व्रत और उपवास तोड़ा। नागपुर में नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी, अज्ञात शख्स ने 2 बार किया फोन। केरल में कोचीन यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, छात्राओं को मिलेगी मेंस्ट्रुअल लीव। बर्फ जमने के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद। मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता की शिकायत के बाद अभिनेत्री उर्फी जावेद को भेजा नोटिस। पाकिस्तानी संसद भवन के परिसर में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की एंट्री पर बैन।